काग वसूल के साथ गुरु नानक पातशाह की चर्चा हो रही है। शॉर्ट में दास ले रहे हैं, बहुत लंबी घटना है पर मैं जो पॉइंट लेना चाहता हूँ, जन्म साखी में घटना आती है, भाई वीर सिंह जी भी इस घटना को लिखते हैं, भाई साहब भाई वीर सिंह जी, काग वसूल के साथ गुरु नानक पातशाह की चर्चा हो रही है, ज्ञान चर्चा। तब गुरु नानक वो कहने लगा कि फलाना जति बहुत सारे जति हुए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, कहने को तो इस संसार में हजारों लाखों जति हैं, पर कहने के असल में सच में केवल दो जति हुए हैं। तो काग वसूल हैरान हुआ कि हजारों लाखों जतियों में से केवल दो जति कौन? तो गुरु नानक पातशाह ने यहाँ कहा है, पहले जति हनुमान जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पहले तो जति हुए हनुमान जी और दूसरे जो जति हुए लक्ष्मण जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काग वसूल हैरान हुआ, कहने लगा हनुमान जी का तो समझ में आता है, लक्ष्मण जी जति कैसे, उनके तो ब्याह हुआ था, उनकी तो शादी हुई थी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और फिर ये घटना गुरु नानक पातशाह सुना रहे हैं काग वसूल को, कहने लगे लक्ष्मण जतियों में जति है, जतियों में जति। कहने लगे कैसे? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, जब सीता माता को उठाकर ले गया रावण, सुग्रीव की सेना वानर सेना जंगल में ढूंढ रही है रास्ता के कहां पर ले गए, तो रास्ते में गहने मिले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गहनों में गले का हार था, हीरे ज्वारा जड़ा हुआ सोने का हार जो सीता जी पहनते थे। वानर सेना वो हार लेकर सुग्रीव जी के पास आए, गले का हार किसी स्त्री का है, जंगल में पड़ा है, हो सकता है सीता माता का हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता मिल जाएगा कि सीता माता को रावण कहां लेकर गया। तो आए सीधा सुग्रीव जी लक्ष्मण जी के पास, ये घटना गुरु नानक पातशाह काग वसूल को सुना रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात चल रही है धर्म, धार्मिक दिखना और धार्मिक होने में कितना अंतर है। लक्ष्मण जी से आज से सुग्रीव जी पूछते हैं आकर के, हार देखकर बताओ ये गले का हार है क्या, ये सीता माता जी के गले का हार है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मण जी ने हार को देखे आंखें झुका ली, कहने लगा मैं नहीं जानता, ये पूछना है तो राम जी मेरे भैया जी के पास जाके पूछते हैं, बड़े भैया के पास, वो बताएंगे। वो कहने लगे सुग्रीव जी कह लगे, इतने समय से साथ में रहते हो आप सीता माता के, आप देवर हो उनके, साथ में रहते हो, आपको कैसे नहीं पता उनके गले का हार कौन सा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा, सुग्रीव जी मैंने आज तक सीता माता के चरणों के सिवाय ऊपर उसके ऊपर कभी देखा ही नहीं। मेरी आंखें उनके चरणों से ऊपर कभी गई ही नहीं, मैंने केवल चरण देखे हैं, उनके गले में कौन सा हार है मुझे नहीं पता, मैंने उनका चेहरा कभी देखा ही नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, इसीलिए लक्ष्मण जति है, जति वो नहीं है जिसने शादी नहीं की। वाणी कहती है एका नारी जति पर नारी ती पैण वखाने, जिसकी एक नारी है, जिसकी सूरत एक नारी में है, दूसरी नारी की तरफ बुरा ख्याल जाता ही नहीं, वो जति है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए लक्ष्मण को जति का खिताब मिला। और सोचो पूरी जिंदगी पूरी सृष्टि में गुरु नानक पातशाह कहते हैं दो ही जति हुए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम राम जी की बात ही छोड़ दें, लक्ष्मण जी की आइडियोलॉजी कहाँ है, उनको अपना आइडल मानते हैं, क्या एक भी आदमी हाथ खड़ा करके कह सकता है कि मेरे मन में बुरा ख्याल नहीं आता? तो किस बात का धर्म, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म का मतलब होता है नियम, धर्म का मतलब होता है मर्यादा। राम जी के साथ सबसे पहला जो अक्षर लगता है ना वो है मर्यादा, पुरुषोत्तम राम, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी मर्यादा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्यादा वो चीज़ है साथ संगत जी, अगर नदी तोड़ दे कितनी सुंदर लगती है नदी, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, पर अगर मर्यादा तोड़ दे बाढ़ आ जाती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समुद्र का किनारा लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, पर अगर सुनामी आ जाए मर्यादा तोड़ दे प्रलय आ जाती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्यादा धर्म का नींव है, धर्म का मतलब आचरण, मर्यादा। आज ये समाज इतना बुरा क्यों हो गया है? क्योंकि हम अपनी मर्यादा खो बैठे हैं।